हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। योग्यता इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। एज लिमिट फॉर द अबव मेंशन कैटेगरी इज़ अप टू 60 ईयर। लास्ट डेट रहने वाली है 27 सितंबर 2024। ज़्यादा दिन नहीं है, 3 दिन ही जो हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे, अगर आपके पास वीडियो समय पर पहुंच चुका है तो आप देखते ही अप्लाई कर दें अगर आप यहां पर एलिजिबल हैं। 18 सितंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है नेशनल हेल्थ मिशन चंडीगढ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से है। नया विज्ञापन ही है। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन और सैलरी। अब चलिए देख लेते हैं, अलग अलग पोस्ट है तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है और सैलरी भी अलग है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया है या साइकोलॉजी में किया है फुल टाइम कोर्स, और आपके पास जो है कोई भी 1 साल का अनुभव है, हेल्थ प्रोजेक्ट में हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन में हो, परमानेंट 2-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपके पास केवल 2 महीने का कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो, केवल 2 महीने का, ठीक है, या इससे अधिक किया है तो अच्छी बात है। मिनिमम 2 मंथ का मांगा गया है। 22,000 इसमें सैलरी रहेगी। इस पद का नाम है पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर। ये सामान्य कैटेगरी की है वैकेंसी। अब देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ है, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, 3 साल आपने पढ़ा है, साइंस से ग्रेजुएशन किया है, और साथ में आपके पास 2 महीने का ही जो है कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपने कंप्यूटर कोर्स किया हो, नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि TBHV की है, 2 वैकेंसी है, एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की है और दूसरी OBC की है। इसमें ग्रेजुएशन आपकी साइंस में होनी चाहिए, फुल टाइम कोर्स, और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर का होना चाहिए, ये भी आपका कम से कम 2 महीने का तो हो। अगर आपने 12th किया हुआ है अभी और किसी भी विषय से फुल टाइम कोर्स, तो इसके साथ में आपका 1 साल का अनुभव जो है NTEP में होना चाहिए। सैलरी जो है इसमें रहेगी आपकी लगभग 70,000 से अधिक। नेक्स्ट देखें, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से फुल टाइम कोर्स, और साथ में जो है सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेशन का 2 महीने का केवल, परमानेंट 2-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2-व्हीलर। इसमें सैलरी 22,992 है। 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, पद का नाम है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, ठीक है, या फिर आपने जो है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अगर किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एक ये वैकेंसी है ऑडियोलॉजिस्ट की। जिन कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में किया है, सभी जो है फुल टाइम कोर्स होने चाहिए। 1 साल का जो है आपका काउंसलर का आपका अनुभव होना चाहिए, और आपका 2 महीने का लगभग जो है कंप्यूटर कोर्स आपने किया है सर्टिफिकेट, ठीक है। ये काउंसलर की ही जो है पोस्ट है, 22,992 इसमें सैलरी है। साइकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है मास्टर ऑफ फिलोसफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये भी आपका इसमें होना ज़रूरी है। 30,000 सैलरी इसमें रहने वाली है। नॉन मेडिकल सुपरवाइज़र की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो BSc फुल टाइम कोर्स और 5 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, साथ में कंप्यूटर
की नॉलेज होनी चाहिए। 23,100 इसमें सैलरी रहेगी। इसमें एक और ऑप्शन है, ट्रेनिंग एज नॉन मेडिकल सुपरवाइजर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट या एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ लेप्रोसी। जो भी देख लें, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल समय से पहले अप्लाई कर दें, ज़्यादा समय नहीं है इसमें। डाटा मैनेजर की वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 32,000 इसमें सैलरी रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में और 3 साल का आपका इसमें अनुभव होना चाहिए। इसमें बीई इन आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें कैसे अप्लाई करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन कही गई है वो आप नोट कर लें। ये तो एड्रेस रहेगा एप्लीकेशन करने का, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, अभी आपको बता दिया जाएगा, अलग से ही दिया है, विज्ञापन अलग है, एप्लीकेशन फॉर्म अलग है। ये पूरा जो है वो एड्रेस है, नोट कर लेंगे। एज लिमिट आपको बता दी है, 60 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 27 सितंबर है। फीस नहीं है कोई भी। लिस्ट जारी होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए तो वो 15 अक्टूबर 2024 को वेबसाइट पर आपकी जारी हो जाएगी। लिस्ट देखने के लिए गूगल पे आप सर्च कर लेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। 15 अक्टूबर 2024 को सिलेक्शन रहेगा, रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, अनुभव आपका जो है 10 मार्क्स का, ठीक है। ये वैकेंसी जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है आपको, रिक्वायर्ड क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। अब देख लेते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन आप जो है कहाँ से देखेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, चंडीगढ़ प्रशासन की नेशनल हेल्थ मिशन, गूगल पे सर्च करना है आपको nrhmchd.government.in, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा पब्लिक नोटिस 18 सितंबर 2024 का, पब्लिक नोटिस यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा नोटिस पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर आप आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ दिया है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप जो है वो भेज देंगे, एड्रेस आपको बता ही दिया था। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे हमेशा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ताकि आप लोग आवेदन कर सकें। थैंक यू।